तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा? अरे मुंह मांगा मिलेगा। और अगर मुझे कुछ हो गया तो? शेर खान दावे के साथ कहता है तुझे कुछ नहीं होगा, जा और उस रजपूतानी से मेरा मेल करा दे। ठीक है शेर खान, तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मैं दरबार में जाऊंगी और कुछ ना कुछ खोज जरूर निकाल के आऊंगी, तुम्हें ही मिलना। और हाँ एक बात और अजी, तुम सब बैठे हो, दारू का हाथ मत लगा दियो मेरी के। अरे ना दो पैक तो जरूर मारूंगा मैं, अपनी ला के पियो, मेरी मत पियो। रुपया ले लियो, रात में तो बताना दारू के खजाने बंद हो रहे, तू वहां दे जा। हम ना खेल रहे फिर। अरे कोई बात ना, दो पैक मारूंगा। बेटी, ओ बेटी सोमवती। कौन है दरवाजे पे? बेटी तो सही। बेटी मैं तेरी बुआ हूँ। बुआ? हाँ। आइए तो अंदर आइयो, आओ आप। नु कह रहे ना फूफी। अच्छा फूफी हूँ मैं तेरी, वो तेरी शादी में तो मैं आ नहीं पाई। अच्छा तो फूफी जी बैठो, बैठ जाओ बेटा। लो पहले तुम पानी पी लो बेटा, बाद में थोड़ा पैरन में दर्द हो रहा, थोड़ा हाथ मार दियो बेटा। तो पैर भी दबा दूंगी, पानी तो पी लो, ऐसे क्या जल्दी हो रही है। बेटा पी दूंगी जल्दी। और सुनाओ कैसा आना हुआ? बस बेटी पूछे मत, लड़के की शादी है। अच्छा शादी में तो मैं आ नहीं पाई, सोचा बेटी से मिलती चलो, इतनी सुंदर बहू आई है देखियो, बहुत सुंदर है। अच्छा बुआ जी ये बताओ। हाँ बेटी। आप ठीक ठाक तो हो? बिल्कुल ठीक हूँ। बस सब राजी खुशी? हाँ बस बुढ़ा लड़ा है रोज। क्यों? पता ना घोड़े तोड़ रखे हैं मेरे। घोड़े तोड़ रखे हैं? हाँ, ऐब करती होगी फिर तो। ए बेटी बुढ़ापे में मैं कहाँ ऐब करूंगी देख। अच्छा हाँ बेटी, मैं तुझसे एक मदद मांगने आई हूँ, अगर तू मेरी मदद कर दे तो। बोलो। मुझे बिल्कुल करोगी ना? बिल्कुल करूंगी बुआ जी। मुझे पटका और कटार चाहिए। पटका और कटार? हाँ मेरे बेटे की जो शादी में वो लेके गया था ना, मेरे बेटे की शादी है उसके लिए चाहिए। बुआ जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो पटका और कटार है ना। बेटी बाद में बात करियो, पाँव दबाती रहे। बुआ जी हाँ, जो पटका और कटार है वो आपके बेटे मुझे अपनी प्रेम निशानी में देकर गए हैं। बेटी अगर आज आपको उनकी जरूरत पड़ रही है तो मैं आपको वो जरूर दूंगी। देखियो कितनी अच्छी बहू है, मैं तो कुछ ले बेटी पैसा ले। बुआ जी बेटी आप आराम करो, मैं जब तक आपके लिए चाय पानी नाश्ता बनाती हूँ और मैं नहा धोकर आती हूँ। ठीक है बेटी जल्दी आइए है। अरे तेरे राम भलो करे, ऐसी बहू सबको देवे। कुछ ना घोड़े में दर्द है। घोड़े में दर्द है? ओ बुड्ढो गयो भी यहीं तो निकट गए, देखो बैठो मुंह फाड़ के, मुंह भी ऐसे खोल रहा जैसे जंगला टूट गया हो। अच्छा अच्छा फूफा जी भी आ रहे हैं क्या? गए अब तो, गए बेटी गए। गए हाँ बेटी, ले आई बेटी ये लो पटका और कटार। हाँ बेटी बनी रहे जीती रहे, बहुत सुंदर है तू बेटी। अच्छा बुआ जी। अच्छा बेटी मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बुआ जी। ठीक है बेटी। शेर खान, ओ शेर खान। अरे अरे तारा रुक जा एक मिनट, बुढ़े मैं तेरे तक जाके गई थी कि मेरी दारू ना पिया है, प्या दी तेने, खुद भी पी का पड़ा। अरे दारू के तो पैसे दे दूंगा, पहले अपने आप को तो संभाल, पैसे दे दूंगा। अरे ये बंदा लाई कोई निशानी कोई सबूत? लेके तो आई हूँ। क्या लाई? पहले ये बता पैसे तुझे देख दुगने देने पड़ेंगे, जो दारू पी है बहुत महंगी दारू पी। हाँ। पैसा तो बैग भर रखो देख। हैं? सुन मैं ऐसी चीज लेके आई हूँ जिसे सुनकर धरती फट जाएगी। अरे क्या लेकर आई है? पहले धरती नहीं फटनी, वो चीज दिखा तो सुन शेर खान। हाँ। मैं लेके आई हूँ चाप सिंह के पटका और कटार। ये क्या तारा, इन्हें तो कोई भी बाजार से कहीं से खरीद सकता है। तो अब क्या लेके आऊँ तेरे लिए? कोई नाच निशानी हो, कोई सबूत हो तो बता।
इससे देख ले तेरा काम चल जाए तो। नहीं तारा, ये तो बाजार से कोई भी खरीद सकता है। तो शेर खान, एक ऐसी निशानी लेके आई हूँ मैं जिसका कोई तोड़ नहीं। क्या लेकर आई है? सुन, जो सोमवती है ना, हाँ, उसकी बाई जांग पे तिल है। अरे वाह तारा वाह, तूने तो कमाल कर दिया रे। चौड़े मत भरो रे बुआ जा। ऐसा अब देख, मुंह खोल कर मांग, क्या चाहिए तुझे? जैसा काम वैसे दाम। कैसा राक्षस बन का गैली? अरे तारा, हाँ, तुझे पता नहीं अभी? मुझे तो लगा पी हुई सारी तड़गी की। शेर खान कभी भी पीछे के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ता। सबूत? ये ले अपना इनाम। शेर खान, अस्सलाम वालेकुम बादशाह साहब। जिस कार्य के लिए भेजा था वो हुआ? हाँ बादशाह सलामत, कार्य बिल्कुल हुआ। अच्छा, जो संपत्ति है उसके साथ 15 रोज आराम तक आते हैं। दूध दही घी दलिया खूब प्यायो। क्या सबूत है तुझ पर, क्या निशानी है? ये चाप सिंह की पटका और कटार, 15 दिन मौज मस्ती करी और पटका कटार लेकर आया हूँ। ये पटका और कटार तो कहीं भी किसी के घर से बाजार से कहीं से भी मिल सकती है, कोई खास निशानी नहीं है। बादशाह सलामत, घबराओ मत, एक खास निशानी और अभी शेर खान के पास। क्या? जिसको चाप सिंह पतिव्रता बताता है उस सोमवती की वाई जांग पर तिल का निशान है। बाई जांग पर तिल का निशान है। अच्छा, अंग्रेजी भी ठीक ठाक पढ़ा देगी और चिंटू भी ठीक ठाक पढ़ा देगी। बाई जांग पर तिल का निशान है? हाँ बस सलामत। अच्छा, तो 15 रोज दिन वहीं गुजारे? बिल्कुल भाई। अच्छा, प्रेमी साथियों, बादशाह चाप सिंह को बुला लेता है और सारा हवाला बताता है कि तेरी जो सोमवती जिसे तू पतिव्रता मानता है, जो हिंदुवानी औरत है, उसके साथ में शेर खान के अवैध संबंध है और साबित कर दिया भाई जांग पे निशान है, पता है या नहीं? मेहरबानो, चाप सिंह कहता है कि मैं हिंदू होने के नाते झूठ नहीं बोलूंगा, उसकी भाई जांग पे तेल का निशान है। बादशाह कहते हैं तो आपको फांसी की सजा है, पहले ही शर्त लगी थी। हाँ राजा साहब, लगी है, लेकिन उस बेहया, उस बदमाश, उस औरत से, सोमवती से एक बार मैं मिलना चाहता हूं। प्रेमी साथियों, 3 वचन भरवा लेता है कि तू उसको जान से मत मार देना, नहीं नहीं मैं उससे बात करूंगा, वचन दे देता है और जाता है सोमवती के पास में। किस तरीके से सवाल जवाब होता है, क्या लेगा? आपके महलों में स्वागत है। खामोश, खप्पर भरनी, डायन टंकनी, मेरा स्वागत है महाराज। मुझसे पीछे 15 दिन तक बड़े बड़े स्वागत किए। ये क्या हो गया आपको महाराज, होश में तो हो? होश में? हाँ, आरता करना है उस शेर खान पठान का करना, तू पठानी बन चुकी है मुगलानी। कैसी बातें कर रहे हो महाराज? शेर खान, इसमें शक है? ये तो नाम ही मैंने पहली बार सुना है। 15 दिन शेर खान पर खूब पैर दबवाए, हरनुगरी नाम ही पहली बार सुना है महाराज। जो कुछ आपको कहना है तो खुल कर कहिए, यूं हेर फेर के बातों में मुझे गोलियां बूझना चाहती है। बोलिए। हीर करने आरता
ब्याही तरी लेके थाली आई ओ हे रे खप्पर भरनी रान तन रजतू की शान सामने तो घटिए पतिव्रता महाराज, अगर आज आपको अपने ब्याही पर भी विश्वास नहीं हुआ ना तो सदा जिंदगी में किसी के ऊपर भी विश्वास हो रहा है तेरे कारण शाहजहां बादशाह के दरबार में कल मुझे फांसी लगेगी। मेरे कारण? मेरे कारण क्यों बुझ बताऊंगा सुने सूरत भावे मेरा भावे वो ऐसी क्या पतिव्रता हो जो कुल पे दाग लगावे कुल के दाग लगावे ओ थारी ब्याही असमंजस में क्यों ना खोल बतावे ये बतावे वो शेर खान लिया यार बना तू खुल के अन्याई थप्पड़ भरनी थप्पड़ भरनी
आखिर ये शेर खान है कौन? कौन? मैं बिल्कुल भी नहीं जानती आखिर ये शेर खान है क्या चीज। ये कोई खाने की चीज है या कोई पपोलने की चीज है या खेलने की चीज है? आखिर ये है क्या? ये मुझे इसका माजरा बता दो। पपोलने की चीज है। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। पटकार कटार कहाँ हो? वही बात मैं आपको बताने जा रही थी। क्या? जिन आप जो आप पटकार कटार की बात कर रहे हो, पीछे से एक औरत आपकी बुआ बनकर आई थी। मेरी बुआ? हाँ आपकी बुआ। पापन चाप सिंह के कोई बुआ नहीं है महाराज। झूठ ऐसा बोल जो चल सके। महाराज बिल्कुल किसी की भी कसम ले लो, आपके सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ मैं आपकी, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ महाराज। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि आपकी रिश्तेदारी में कौन कौन है। कौन थी? और मुझे नहीं पता कि वो आपकी बुआ थी या नहीं, लेकिन जब महल में आई थी तो उसने यही कहा था कि वो आप ही की बुआ बता रही। मेरी कोई बुआ नहीं है, सुना दो। बताव थारी